दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के अप्रैल सिक्योरिटी पैच अपडेट के बारे में, क्योंकि सैमसंग ने आज फाइनली इंडिया के अंदर सैमसंग के कुछ डिवाइसेस के लिए अप्रैल का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है वो रिलीज करा दिया है, वो भी मार्च के ही मंथ में। तो दोस्तों कौन से हैं वो सैमसंग के डिवाइसेस जिनके लिए सैमसंग ने मार्च के ही मंथ में अप्रैल का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है वो रिलीज करा दिया है, उन्हीं डिवाइसेस के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि सैमसंग के कौन कौन से डिवाइसेस के लिए सैमसंग बहुत जल्द इंडिया के अंदर अप्रैल का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है वो रिलीज कराने वाला है। पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के अप्रैल सिक्योरिटी पैच अपडेट के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 80 लाइक, मुझे पता है आप जरूर से कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करें सबसे पहले उन डिवाइसेस की जिनके लिए सैमसंग ने आज फाइनली इंडिया के अंदर अप्रैल का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है वो रिलीज करा दिया है, तो वो सैमसंग का S21, S21 प्लस, S21 अल्ट्रा, इन तीनों ही डिवाइसेस के लिए सैमसंग ने आज फाइनली इंडिया के अंदर अप्रैल का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है वो रिलीज करा दिया है। बात करें अपडेट फाइल साइज की जो की 1140 MB के आसपास की थी, और इस अपडेट में आपको अप्रैल का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल जाता है। इम्प्रूवमेंट्स की बात करें डिवाइस की जो कैमरा की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया गया इस अपडेट में, डिवाइस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया गया इस अपडेट में, डिवाइस की स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया गया, बग्स को फिक्स किया गया, नए और पुराने फीचर्स को इम्प्रूव किया गया और परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया गया इस अपडेट में। दोस्तों बात करें सैमसंग के उन डिवाइसेस की जिनके लिए सैमसंग बहुत जल्द इंडिया के अंदर अप्रैल का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है वो रिलीज कराने वाला है, तो बात करें सैमसंग की एस सीरीज के डिवाइस की, तो सैमसंग की S9 सीरीज से लेके सैमसंग की S20 सीरीज तक जितने भी डिवाइसेज हैं उन सभी डिवाइसेज के अंदर आपको अप्रैल का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है वो देखने को मिल जाएगा। बात करें सैमसंग की नोट सीरीज की, तो सैमसंग की नोट 9 सीरीज से लेके सैमसंग की नोट 20 सीरीज तक जितने भी डिवाइसेज हैं उन सभी डिवाइसेज के अंदर भी आपको अप्रैल का जो सिक्योरिटी पैच है वो देखने को मिल जाएगा। और सैमसंग अपने A50 डिवाइस के लिए भी अप्रैल का जो सिक्योरिटी पैच है वो रिलीज कराने वाला है, और सैमसंग के फोल्डेबल डिवाइसेस के अंदर भी आपको अप्रैल का जो सिक्योरिटी पैच है वो देखने को मिल जाएगा। और सैमसंग के बाकी डिवाइसेस जिनके अंदर दिसंबर या फिर जनवरी का जो सिक्योरिटी पैच है वो रन कर रहा है उन डिवाइसेस के अंदर भी आपको अप्रैल का जो सिक्योरिटी पैच है वो देखने को मिलने वाला है। और सैमसंग अपने ए सीरीज, एम सीरीज, एफ सीरीज के और भी डिवाइसेस के लिए भी अप्रैल का जो सिक्योरिटी पैच है वो रिलीज कराने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं सैमसंग फ्यूचर में क्या करता है, और भी अगर कोई न्यूज आती है सैमसंग के अप्रैल सिक्योरिटी पैच अपडेट के रिलेटेड तो आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।